अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड, विंडो 32 बिट, 64 बिट और वगैरह किस तरह चेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे भी डिटेल है, ये को टू डू सीपीयू है, ये प्रोसेसर है, ये 4 GB रैम है, ये 32 बिट है और ये विंडोज 7 है। तो यहाँ पे पूरा मालूमात नहीं है, वो दूसरी जगह से भी हम चेक कर सकते हैं। इसको क्रॉस करते हैं, खाली जगह पे राइट क्लिक, स्क्रीन रेजोल्यूशन, एडवांस सेटिंग, ये 256 ग्राफिक कार्ड है इसमें। तो यहाँ भी फुल मालूमात नहीं है। तो सारे मालूमात एक साथ देखने के लिए हम स्टार्ट पे राइट क्लिक करेंगे, ये रहा स्टार्ट। यहाँ पे लिखेंगे DXDIAG, DXDIAG, एंटर करेंगे तो ये अभी सारी मालूमात एक ही बोर्ड में आ गए। ये अभी देखो विंडोज 7 32 बिट, ठीक है। ये HP कम्पेक 7800 मॉडल है, ये कोर टू डू CPU है, ये प्रोसेसर इसका, ये रैम है इसका 4 GB, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्ले में जाके ये एंटर, एंटेल Q35 मेनू पिक्चर, एंटेल कॉरपोरेशन, ये चिप एंटेल R3100, ये ग्राफिक मेमोरी 256 MB। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। आप जब भी CPU लेना चाहते हो तो ये सारी मालूमात इस 3 जगहों से भी चेक कर सकते हो और सिर्फ इस जगह से भी चेक कर सकते हो। तो अपनी CPU खुद ही चेक करो जब आप बाज़ार से लेना चाहते हो, बहुत ही आसान तरीका है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वगैरह। शुक्रिया।